हाँ, तो आज हम संत निरंकारी मिशन के मानव एकता दिवस को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये बताना ज़रूरी है कि 24 अप्रैल 1980 को निरंकारी मिशन के प्रमुख रहे बाबा गुरुबचन सिंह महाराज को विघटनकारी ताकतों ने गोली मारी, जिससे उनका नश्वर शरीर खत्म हुआ था। उसके पश्चात निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज गद्दी आसीन हुए, उनके सुपुत्र थे वो, उनके बेटे जो सेठ के नाम से जाना जाता था। उन्होंने जब गद्दी संभाली तो युवाओं के अंदर एक जोश था, एक भावना ऐसी जागृत हो रही थी कि खून का बदला खून, खून का बदला खून। तब मुझे याद आ रहा है कि तत्कालीन निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज ने एक बात कही थी कि खून का बदला खून, ये बात आप लोगों को जो सदगुरु की शिकलाई है उसके अनुसार, आपके वो गुरु थे, मेरे तो वो गुरु भी थे और मेरे पिता भी थे। दुख मुझे भी है, लेकिन आवश्यकता आज उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की है। और उन्होंने कहा कि ये इंसान का खून नाड़ियों में नहीं बहना चाहिए, इंसान की नाड़ियों में ये खून बहे। तब से रक्तदान शिविर लगने शुरू हो गए और ये संदेश दिया था निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज ने कि यदि आप बदला ही लेना चाहते हैं तो उन लोगों को खून की ज़रूरत है, उन्हें खून दे दो, उनके अंदर तुम्हारे विचार जाएंगे, तुम्हारी भावनाएं जाएंगे और तुम्हारे संस्कार उनके अंदर जाने शुरू हो जाएंगे। तो जो हमारे बाबा गुरुबचन सिंह महाराज जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है, उनका बलिदान सार्थक हो जाएगा। तब से लेकर के आज 1986 से रक्तदान शिविर प्रॉपर वे के अंदर आरंभ हुए और आज ये भारत के अलावा दूसरे देशों के अंदर भी रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। अभी 24 तारीख को रक्तदान शिविर सिर्फ दिल्ली में ही नहीं लगाए गए, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र में 14, उत्तर प्रदेश में 11, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश में 6-6 रक्तदान शिविर लगे, हरियाणा में 5, हिमाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात में 4-4, उत्तराखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 3-3 रक्तदान शिविर लगाए गए, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा में 2-2, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, आसाम, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में 1-1 रक्तदान शिविर लगा। और इन शिविरों के अंदर 1327 श्रद्धालुओं ने अपने रक्त का दान किया। इसमें सबसे खास बात यह है कि निरंकारी मिशन ने 6076 रक्तदान शिविर अभी तक लगाए हैं और 10,36,560 यूनिट रक्त का दान किया गया। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों, और ये मानवता का सबसे बड़ा संदेश इस कर्मयोग के माध्यम से निरंकारी मिशन ने दिया, जो आज अपने आप में औरों के लिए मिसाल बन गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संत निरंकारी मिशन के इस महान कार्य को सलाम किया और दुनिया के लिए ये पैगाम एक सुंदर स्वरूप के साथ प्रकट हुआ। वो अलग बात है कि निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज भी एक सड़क हादसे में मर गए, उनका भी शरीर चला गया। आज की तारीख में सुदीक्षा जी, जो संत निरंकारी मिशन के वर्तमान सदगुरु के रूप में हैं, ये अपने आप में शिक्षाओं का जो स्वरूप आगे बढ़ा, आप देखते जाएं कि कैसे कैसे जो है ये संदेश लेकर के लोगों तक कोने कोने में
निरंकारी जा रहे हैं और अपने कर्म के माध्यम से अपने रक्त का दान करके औरों के जीवन को जीवंत कर रहे हैं। निरंकारी मिशन के महासचिव, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग के मेंबर इंचार्ज ब्रिगेडियर पीएस चिम्मा जो सदगुरु माता जी के माध्यम से ये बात बता रहे हैं कि बाबा हरदेव सिंह महाराज के फरमान के बाद ये रक्तदान शिविर हमने आरंभ किए हैं। ये पहले संनिरंकारी मंडल के नाम से एक सोसाइटी एक्ट के तहत संस्था रजिस्टर्ड होती है, फिर इसको एक एडिशनल एक चैरिटी के लिए एक और संस्था इसके अंदर सिस्टर कंसर्न में ली जाती है, संनिरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन, और इसके कार्यकारी अध्यक्ष बिंदिया छाबड़ा जी हैं आजकल। फाउंडेशन के द्वारा वर्ष भर में जो रक्तदान शिविर लगाए, मानव कल्याण को समर्पित अन्य अनेक कार्यक्रम किए गए, उन्होंने हमारे को बताया था कि युवा वर्ग इसे बहुत ही उत्साह के साथ देखता है। मैं आपको ये बता दूं कि एक बार हमारे साथ जो इंटरव्यू में चर्चा हो रही थी, बिंदिया छाबड़ा जी बता रहे थे कि संनिरंकारी मंडल का ये चैरिटेबल फाउंडेशन सिर्फ और सिर्फ रक्तदान शिविर ही नहीं लगा रहा, ये स्वच्छता अभियान भी चला रहा है, ये शिक्षा के ऊपर भी काम कर रहा है, इन्होंने चार गांव को गोद ले रखा है। ये जीवन के अंदर जो है खुशहाली किस प्रकार से आए, लोगों को जीने की राह कैसी दिखाई जाए, इसके ऊपर इन्होंने काम किया। और दिल्ली के अंदर जो रक्तदान शिविर लगा था उसके अंदर विभिन्न जो है संस्थाएं अस्पताल शामिल हुए, जिनके अंदर आपके गुरु तेग बहादुर अस्पताल, डॉक्टर हेड गेवा, राम मनोहर लोहिया सफदरजंग अस्पताल, जे बी पांथे, दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, कस्तूरबा गांधी, सुचेता कृपलानी, बाड़ा हिंदूराव, एल एन जे पी अस्पताल, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, एम्स सी एन सी। शिविर के दौरान इन्होंने रक्तदान जो वहाँ पर आए हुए भक्तों ने किया, उस रक्त को एकत्र किया और उन लोगों तक पहुँचाने का काम किया जिनको इसकी ज़रूरत थी। तो निरंकारी मिशन के वर्तमान के अंदर जो अध्यक्ष पद के ऊपर आसीन है, जो गुरुगद्दी पर बैठी हुई सुदीक्षा माता जी हैं, उनका कहना है कि संनिरंकारी मिशन विश्व भर में मानवता का संदेश देने के लिए अपनी खास पहचान रखता है और इसको सार्थकता प्रदान करने के लिए देश भर में रक्तदान शिविर लगाए गए हैं। निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी का एक बहुत ही विशेष बयान ये रहा कि अगर कोई इंसान कष्ट में है और दूसरा इंसान उसकी मदद करता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ छिपा होता है, लेकिन सेवा इससे कहीं भिन्न होती है, क्योंकि जो महात्मा, जो संत, जो सदगुरु के शिष्य सेवा करते हैं और उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं रखते हैं, सही मायने में वो निस्वार्थ भाव से की गई सेवा कामयाब होती है। और आज हमें इंतजार रहता है इंसानों को कि भाई किसी ना किसी रूप में मानवता की निस्वार्थ भाव की सेवा उन्हें मिल जाए, ये आने वाले संतों का विशेष जो है सेवा का जज्बा। आए हुए जो रक्तदान शिविर डोनर थे, जो रक्तदान शिविर के अंदर रक्त को दान करने वाले श्रद्धालु थे, उनके लिए जलपान की व्यवस्था की गई थी और ये शुभकामनाएं सबके लिए दी गई। माता सुदीक्षा जी की तरफ से आशीर्वाद प्रदान किया गया है कि निस्वार्थ सेवा करने वालों का जीवन खुशहाल होता है। तो दोस्तों, ये हमारी रिपोर्ट विशेष थी संनिरंकारी मिशन के ऊपर, जिन्होंने रक्तदान शिविर लगाए। ये रक्तदान शिविर अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण था, आम शिविर नहीं है ये। आम रक्तदान शिविर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक निरंकारी मिशन के जो मुखिया रहे, निरंकारी बाबा गुरुबचन सिंह महाराज की गोली मार करके जो हत्या की गई और उसके जवाब के अंदर इन्होंने रक्तदान शिविर आरंभ किए, अपने आप में ये एक पूरे विश्व में नई मिसाल सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है और निरंकारी मिशन इसको व्यवहारिकता के साथ प्रकट करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये ज्ञान
ज्योति दर्पण के लिए नरेंद्र शर्मा परमाणा की। दोस्तों आपने अपना बहुत प्यार दिया है, बहुत स्नेह, बहुत सौहार्द दिया है। आपको धर्म, संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा, हर प्रकार के विषयों के ऊपर हम अलग अलग मुद्दों के ऊपर सामग्री लेकर के आपके सामने पेश होते हैं। हम चाहेंगे कि आपका प्यार, आपका स्नेह, आपकी जो मोहब्बत की खुशबू से लबरेज जो वातावरण आप दे रहे हैं, आप इसी प्रकार से देते रहें। और एक छोटा सा निवेदन, इसे हम आप तक ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि आपका प्यार जो है वो हमें लाइक सब्सक्राइब के रूप में मिले। आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, उसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें, ताकि औरों को भी ये अच्छे संदेश मिलते रहें। और हाँ, एक छोटा सा बेल आइकन है, इसे ज़रूर दबाइए, ताकि अगला आने वाला जो वीडियो आपको जल्द ही प्राप्त हो जाए, अपने आप मिले। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपका प्यार हमारे लिए बेशकीमती है। हाँ, अगर आप कोई अपना संदेश, यदि आप अपना कोई व्यूज, यदि आप अपना कोई किसी भी प्रकार का विचार हमें देना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आइए कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप अपने संदेश को लिख दीजिए। हम प्रयास करेंगे कि आपके विचारों के अनुसार हम अगली वीडियो के अंदर सुधार भी करेंगे, और आपके विचार हमारे लिए बेशकीमती हैं। दोस्तों जय हिंद। ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए नरेंद्र शर्मा परमाणा।